हर शाम 5 से 9 मेरा शो आता है एंड मेरा जो रेडियो का नेम है दैट इज दून का कड़क जोड़ना। जो मधुर आवाज आप सुनते हैं IOCL रुको जरा सर्वर करो सर्वर बाय ट्रैफिक पुलिस उत्तराखंड। वी ऑल आर अवेयर अबाउट ट्रैफिक पुलिस राइट। जब भी हम रोड पे जाते हैं तो हमको कौन सी चीज सबसे पहले दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक रूल? क्या से क्या दिखाई देता है सर रोड पे इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक? ट्रैफिक पुलिस दिखाई देती है सबसे पहले हमको दिखने को मिलता है दैट इज सिग्नल। कितनी लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल के अंदर? ग्रेट। सबसे पहले रेड का मतलब येलो का ग्रीन एंड ग्रीन ठीक है। मेरे पास ना बहुत सारे सरप्राइजेस हैं अभी आप सबके लिए। अच्छा किसी को पता है जब भी आपके पास लाइसेंस नहीं होता है अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ ले तो कितने का चालान कटता है? रेज योर हैंड्स उसके बाद जवाब दें। क्या नाम है आपका? कितने का चालान कटता है? फोन कर रहा हूँ सर। कितने? 2000। 2000 का चालान कटता है। कितने लगता है कि पारस सही है? पारस इज एक्चुअली राइट। इतने का ही चालान कटता है। एक बार जवाब देना है। आपका जो लाइसेंस है फॉर 3 मंथ्स वो यू नो बैन भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पारस के लिए वी हैव सम सरप्राइज। तो बस हम सरप्राइज नहीं लेते ना कोई देता है। चलिए ये तो हो गया पारस को भी हमने विनर बना दिया। अब ये ना बताएंगे कि इनको क्या सरप्राइज मिला। वन मोर थिंग, आप ट्रिपलिंग में चल रहे हैं ठीक है एंड आपका चालान कट गया है। कितने का चालान कटेगा? जैसे विवेक जो है कल सुबह में बताएगा। हाँ देखिए अगर ट्रिपलिंग है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चालान कटेगा जो ड्राइव कर रहा है उसका एंड मिनिमम 1000 रुपीज का चालान है वो कट के ही रहेगा। एंड अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर उस पर और एड ऑन कर लो। अगर आप माइनर है तो और एड ऑन कर लो। अगर आपने और कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं तो फिर गाड़ी घर पर जरूर चुपचाप बैठ दो कैसे जाओ फिर। अच्छा अभी पारस विनर था ना तो पारस प्लीज कर दे एक बार ऑन स्टेज। अभी आगे हम गेम भी खेलेंगे तो उसके फिर सरप्राइज और बड़े वाले। एक थोड़ा सा यू नो अच्छा मैं जुड़े का सवाल करूंगा तो थोड़ा बी है ना देयर मैन माइट बी सम ट्रिकी क्वेश्चन एज वेल। बहुत ही अच्छा सवाल कर रहा हूं आपसे बहुत मजा आ जाएगा लेकिन आज तो जवाब पता है प्लीज रेज योर हैंड एकदम से ऐसा नहीं करना ना तब से। तो सवाल ये है कि आप एक हाय में जा रहे हैं ठीक है। अब आपके सामने एक शेर आ गया आपके सामने एक डॉग आ गया एक गाय आ गई एक बहुत बड़ा हाथी आ गया तो डेफिनेटली आप इतने ऋषिकेश के आसपास के आए हुए होंगे बड़े इतना सब जगह देखने को मिल रहा है एंड यू हैव ओनली वन चॉइस दैट यू हैव टू हिट। किसे आप हिट करेंगे? जी आप ब्रेक हिट करेंगे ऑप्शन है कम समय इसे वही हिट लेस ऑफ हैंड एक बार दोनों सामने
अभी और कौन इनको बीट करना चाहेगा? देखिए बहुत इजी हो सकता है ना, आप बताइए। देखिए यहाँ पर जो भी आया है आएगा या आएगी तो अगर कंबल जाता है बैठने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोई हंस रहा है यू वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज आप इस लायक है कि आप हंस सकता है, यू नो, वरना दुनिया में लोगों को देखकर आपको वैसे उतर जाता है, तो हंस रहा है तो यू वुड बी वेरी हैप्पी, हेजिटेट नहीं होना बिकॉज आप जिस फील्ड में जाने वाले हैं नियर फ्यूचर वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है ना, तो हेजिटेशन की कोई जगह वहां नहीं, तो वी आर फेयर थ्री वॉट्स योर नेम? जितनी दफा बोल पाएंगे, ठीक है, एंड अगर कॉम्बल हो गया तो हम कट कर देंगे, एंड आपको काउंट करना है कि इन्होंने कितनी बार बोला है, तो टाइम स्टार्ट नाउ। देखो ये मेरा तरीका है ना, मैं रख लेना, ठीक है, ओके।
तो अभी हमारे पास एक और गेम है, बताइए वो यहाँ पे सपोज की ये रोड है और ये जो है गाड़ी चला रहा है, इनको अब क्या करना है, इफ आई से रेड तो आपको वॉक करते करते फ्रीज होना है, लाइक दैट, हिलना नहीं है, यू हैव टू फ्रीज, जैसे ऐसा हुआ आउट, इफ आई से ग्रीन तो आपको निकलना है लेकिन धीरे, लाइक दिस, इफ आई से येलो यू हैव टू डू लाइक दिस, जो ये ट्रैफिक रूल है फॉलो करने हैं रोड पर, ठीक है, एथिक्स के साथ, रेड रेड ग्रीन येलो रेड रेड बोलने वाला आ गया मेरे अब रेड येलो रेड ग्रीन येलो रेड क्या लगता है भाई, इतने रेड पे अपना आई गेस पाउंड ऑन कर दिया था, ग्रीन येलो रेड ग्रीन बैठ
इसमें आप हर चीज फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेक्स है बहुत ही सुंदर तरीके से सेक्स को यहाँ पर समझाया गया है। ताश के पत्तों के साथ सेक्स समझाया गया है। अभी मैं थोड़ा जूस से चेकिंग करने वाला हूँ। तो कैसे मच बैठ आज हम अच्छा ये मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में से किसने होमवर्क किया? राम शर्मा काम क्या ये? देखो ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम दिखाओ फिर आंसर यार तुम दिखाओ। जो मैंने एक घंटे का काम किया है वो है कहाँ? देखो ऐसे नहीं होगा, ऐसा उल्टा तुम आर्गुमेंट करते हो। जो मैंने पिछला काम किया है तुमको, जो पिछला हमने कर चुके हैं उसको आपको आधा घंटा देना है, और जो अभी मैं वर्क करा रहा हूँ उसको आपको एक घंटा देना है, ठीक है? देखो ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे काम नहीं होता है। गगन अपनी नोटबुक दिखा। मैंने एक जो बड़ी हेल्प
जाकर देखने का मैं अश्वत्थामा मैं भगवान है तो क्या वो भी पब्लिक मतलब मुझे मिल जाए 2000 का क्या सोचे यहाँ बात से किसी को देखिए जिन्होंने गाना गाया था आई विपाशा स्टूबुक बहुत अच्छा गाना था जिन्होंने एक्टिंग करी थी सर की आपने स्टूबुक लेकिन जिन्होंने बीट बॉक्सिंग करी आए मजा आ गया तो एक बार स्टेज पर आ जाए जिन्होंने बीट बॉक्सिंग करी भाई कब से कर रहे हो बीट बॉक्सिंग वाला मामला कभी कर दो सीख अभी एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो सर अभी तो पढ़ाई करो गजल बात है कुछ पता ही नहीं इसके अलावा कुछ और नहीं सर और कुछ अच्छा आपको ड्राइविंग पूरा आपकी गाड़ी वाली चलाते हो डेफिनेटली 18 से ऊपर है 18 से नीचे 18 से ऊपर है कभी कभी दूर थोड़ा सर सर अपने मोबाइल फोन की कसम खाओ सर बोला सर थोड़ा ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा एक बार नाम बताना अपना रोहन को पकड़ा जाए यहाँ के बारे में सर अभी सर भी हमारे साथ ही पकड़ के ले जाएंगे यहाँ से तो ये 2000 का कैश वाउचर है आपके लिए ठीक है एक बार बता दिया सेफ्टी के ऊपर आज ये गोष्ठी है छोटा सा सेमिनार है मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर एक चीज मैं आपको बोलूंगा आप डेली न्यूज पेपर में सुनते होंगे यहाँ एक्सीडेंट हो गया यहाँ एक्सीडेंट हो गया इतने बार ये हो गया रोड सेफ्टी के जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो कीजिए मरना ही है अगर तो रोड पे नहीं मरना है बॉर्डर पे मरना है आप तिरंगे पे लिपट के आना है अगर मरना ही है रोड पे ऐसे जान देने का कोई फायदा नहीं है इसलिए सेफ्टी जो भी आपको रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए और अपने आपको सेफ रखिए आपकी जान बहुत कीमती है आपको आपके पेरेंट्स से पूछना आपकी जान कितनी कीमती है ना राइट मैं यही कहूंगा थैंक यू Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.